आपका नाम? जी अनीता रानी। आप कहाँ से आई हैं? जी जिला बिजनौर धामपुर ब्लॉक। धामपुर ब्लॉक से? जी। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? जी हम अपने समस्याओं को लेके यहाँ पर आए हैं। क्या समस्याएं आपकी? हमारी समस्याएं हैं, हमें 30 माह से हमारा मानदेय नहीं मिला और हमें मिलता ही क्या है, हमारी 67 रुपए मजदूरी मिलती है और 2000 महीना मिलते हैं और वो भी 30 माह से हमें मिला नहीं है। हम ये बताइए आप अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, ये बताइए हम इसमें हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। आपको अगर कुछ ना मिले तो आप अपने बच्चों के लिए क्या करोगे हैं? ये हमारी समस्या है। इतने पे भी अब हमारी ये योजना पूरी होने जा रही है, इसके बारे में कोई सरकार हमारे लिए कुछ सोच नहीं रही है। आप बताइए हम क्या करें? हम तो सोच के आए हैं कि हमने इससे पहले लखनऊ भी धरना दिया और तब भी हम पर डंडे मार दिए गए हैं। आज भी हम यही सोच के आए हैं, चाहे हमें डंडे क्यों ना खाने पड़े, चाहे हम अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, हम आज अपना हक मांग कर रहेंगे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें एक काम दिया गया था कि भारत सरकार को साक्षर बनाना है। इतनी मेहनत करके हमने भारत सरकार को साक्षर बनाया और इतनी मेहनत, गांव-गांव घूमते हैं, घर-घर घूमते हैं, गली-गली घूमते हैं, तब हमने किसी को साक्षर किया और आज हमें हमारा हक भी नहीं मिल रहा है। हम क्या करें? आप ही बताइए, हमने तो ये आपको सौंप दिया है, आप ही बताइए हम आप क्या करें। कितने विद्यार्थी हैं आपके पास में? हमारे विद्यार्थी 35 विद्यार्थी हैं इस समय भी, और कम से कम 35 की पता नहीं कितनी बार हम परीक्षाएं भी करा चुके हैं। सारा रिजल्ट मार्कशीट हमारे पास है, प्रूफ हमारे साथ है, हम आपको दिखा देंगे। बहुत अच्छे मैडम, मैडम बहुत अच्छे।